शाम के 7:30 बजने को है। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अब बात दिल्ली में चौंकाने वाला ऑपरेशन बारबाला की करेंगे। देश की राजधानी में कोरोना काल के बीच अय्याशी का काला खेल चल रहा है। हमारे संवाददाता नितिन जैन ने अपने खुफिया कैमरे में जो तस्वीरें कैद की हैं वो आपको हैरान कर देंगी। दिल्ली में संसद से महज 500 मीटर की दूरी पर बारबालाएं नाच रही हैं। दिल्ली में बारबालाएं नाच रही हैं, कोविड की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, ना ही कोई एक्शन लेने वाला है। देखिए आज तक का बड़ा स्टिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन बारबाला। आज तक का बड़ा स्टिंग ऑपरेशन, दिल्ली के बारबालाओं का घिनौना खेल, संसद से 500 मीटर की दूरी पर अय्याशी का अड्डा। कोविड प्रोटोकॉल यहां धुएं में उड़ाया जा रहा है। कोरोना का खौफ यहां शराब की बोतलों से मिटाया जा रहा है। कानून ठुमकों पर झूम रहा है। अय्याशी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन यहां मचे शोर में अंदाजा लगाया जा सकता है कि महफिल पूरे शबाब पर है। लाल पीली नीली जलती बत्तियां, धुएं से भरा हॉल और टकराते जाम अय्याशी की पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। मुंबई की बारबालाओं के बारे में तो आपने बहुत बार देखा सुना होगा, लेकिन आज तक की टीम जब संसद से कुछ ही दूरी पर एक बार में पहुंची तो तस्वीरें हैरान करने वाली थी। पंचकुइया रोड और पहाड़गंज में अय्याशी के बार धड़ल्ले से चल रहे थे। तेज आवाज से भरे हॉल में बारबालाएं अपने हुस्न की नुमाइश कर रही थी। हर ठुमके पर नोट हवा में उछाले जा रहे थे। हुक्के के गुड़गुड़ के साथ अय्याश जादे अपने चरम पर नजर आ रहे थे। आज तक ने अपने खुफिया कैमरे में हैरान करने वाली तस्वीरें कैद की और इस पूरे खेल को समझने की कोशिश भी की। आखिर कैसे मानसून सत्र के दौरान संसद से महज 10 मिनट की दूरी पर यह अय्याशी का पूरा खेल चल रहा है? आखिर प्रशासन की नाक के नीचे ये शोर किसी को सुनाई क्यों नहीं दे रहा था? कहाँ था कोरोना का प्रोटोकॉल? कहाँ से आई दिल्ली में बारबालाएं? सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई बार के बाउंसर से। हमें बार के बाहर कोई नाम नहीं दिखाई दिया तो हमने इसकी वजह जानने की कोशिश की। बाउंसर ने बताया कि बार का नाम मुंबई ड्रीम है जो अब बदल रहा है, जिसकी वजह से बोर्ड को हटाया गया है। यानी कभी जो लोग बार का सपना लेकर मुंबई जाते थे उनकी अय्याशी का इंतजाम अब दिल्ली में किया जा रहा है। इसका मुंबई ड्रीम है, मुंबई ड्रीम नाम है। एक्चुअली नाम ना चेंज हो रहा है इसका। अच्छा, तो वो बोर्ड हटा रखा है, इसका नाम चेंज हो रहा है। इसका बहुत हो गया। शनिवार का दिन वीकेंड होने की वजह से महफिल अपने शबाब पर थी। नशे में एक दूसरे पर लोग लदे हुए थे। न सोशल डिस्टेंसिंग और न ही कानून का डर। पूरा खेल मालिक ने सेट कर रखा था कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, न वीडियो बाहर जाएगा और न ही प्रशासन से कोई आएगा। बेफिक्र होकर बस मजे करके बार के बाहर हमें कुछ पुलिस वाले नजर आए। हमने उनकी कहानी समझने की कोशिश की तो पता चला कि कानून के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। पूरे साल का पैसा बंधा हुआ है। कस्टमर को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर कस्टमर डर जाएगा तो फिर दोबारा नहीं आएगा। सवाल खड़ा होता है कि आखिर कौन है जिम्मेदार? बीच दिल्ली में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, प्रशासन की नाक के नीचे ये धंधा चल रहा है। दिल्ली में बारबालाएं नाच रही हैं, ना कोई रोकने वाला, ना कोई एक्शन लेने वाला। चंद पैसों के लिए लोगों की जान जोखिम में डाली जा रही है।